अभी हत्या करने अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। खुले आम राहुल यादव बोल रहा है, राहुल यादव की मम्मी बोल रही है। कुछ भी जब तक होगा 8 दिन के बाद, आज 8 दिन तो हो गए, अभी तक तो कोई उनको सूचना भी नहीं मिला। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव, ये आपके जिले में हो क्या रहा है? आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, अभी 2 ही महीने हुए हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्राइम की स्थिति क्या है? तनिष्क लूटकांड हुआ और आपके जिले में जहां आप सांसद हैं, आपके करीबी अवधेश यादव को उनके ही पड़ोसी ने गोली मार दी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। 8 दिन हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। आप गए भी थे उनके घर देखने के लिए, लेकिन अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया, ना ही कुर्की जब्ती हुई है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हम आपको दिखाते हैं कि अवधेश यादव की पत्नी का क्या हाल है इस वक्त और क्या कुछ वो कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। अभी तक प्रशासन द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आज 8 दिन हो गए, हम लोग को खौफ बना हुआ है फिर से कोई दूसरा कांड न हो जाए। हमें सुरक्षा की सुविधा चाहिए। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुरक्षा कर्मी होते हैं? कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी है कि नहीं आपके साथ? सुरक्षा कर्मी कोई नहीं है मेरे साथ। अभी कुछ जानकारी भी नहीं मिल रही है कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। और मेरे घर में और सब फैमिली है, हमें एक लड़की एक लड़का है, भतीजा है। हम लोग घर से बाहर डर के मारे कोई नहीं निकल पा रहे हैं। अभी हत्याकर्मी अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। खुलेआम राहुल यादव घूर रहा है, राहुल यादव की मम्मी घूर रही है। कोई कार्रवाई भी क्यों नहीं हो रहा है? हमें सुरक्षा भी और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपने FIR जो दर्ज कराया है उसमें क्या बताया था, कारण क्या था इसका, झगड़ा वगैरह पहले से था? कोई झगड़ा नहीं था, पारिवारिक के तरह रहते थे वो लोग, सब दिन आते जाते थे। कोई कागज उगज का भी मामला रहता था तो यहीं पे आके इनसे पूछते थे। उस दिन रात को वो फोन किए, चचा यहाँ पर आइए। ये बोले हम अभी नहीं जाएंगे, हम थक गए हैं, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। भैया अभी डॉक्टर वहाँ से आए, ये बोलता है काट दिए फोन। फिर दोबारा फोन किए, ये बोलते हैं जाते हैं देखते हैं क्या कहता है। सुगटा पर बच्चा कहीं पैसे दे तो नहीं बोलता है, होगा तो कल कहीं से देंगे। ये गए दोबारा लौट के नहीं आए। किस चीज़ का पैसा था, 1-1.5 लाख का जिक्र किया था आपने? ब्याज पे मांग रहे थे, उसकी मम्मी दिन में भी आई थी, उससे पहले पैसा नहीं उतना मांग करती थी। उसकी मम्मी एक दिन पहले भी 2-3 बार आई थी, तो उस दिन मेरे घर में भतीजा थे, भैया थे, सभी कोई थे। दूसरे रोज आई तो निकली, हम गेट लगा दिए। फिर 4 बजे फोन करती है, 5 बजे फोन करती है मेरे मोबाइल पे, 7:30 में वो फोन की, हम नहीं उठाए। तब उसका बेटा फोन किया, फोन से गए दोबारा लौट के नहीं आए। तो सुना आपने, अवधेश यादव की पत्नी थी, कस्बा में अवधेश यादव को गोली मार दी गई, उनको घर से बुलाया गया बाहर और बाहर में पीछे से उनके सिर पर गोली मारी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अवधेश यादव की पत्नी ने पुलिस में शिकायत भी की, FIR दर्ज कराई, 8 लोग नामजद थे उसमें, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ये स्थिति है पूर्णिया पुलिस, तनिष्क लूटकांड होता है, क्या होता है उसमें 4 लोगों को पकड़ा जाता है, 4 जो लोकल वहीं के थे, आसपास के थे, और सिर्फ एक अंगूठी मिलती है। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई थी, उसमें सोना कुछ नहीं मिला, एक बस अंगूठी मिली और 4 लोग पकड़े गए। तनिष्क वाले ही जिस दिन उद्भेदन कर रहे थे SP साहब, उसी दिन रात में अवधेश यादव की हत्या होती है। अवधेश यादव की हत्या होने के बाद लगातार सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर आती भी है, क्योंकि सियासत तो यहाँ हर चीज़ के लिए होती है, तो सियासत खूब हुई, लेकिन
गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अवधेश यादव की पत्नी को ये डर है कि कोई अनहोनी फिर से ना हो जाए उनके घर में, कोई घटना फिर से ना हो जाए, क्योंकि अपराधी तो बेखौफ हैं, उन्हें पता है उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, वो खुलेआम घूमेंगे ही, उनको किसी बात का डर ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल हम किससे करें, पप्पू यादव से, नीतीश कुमार से, या बिहार पुलिस से? बिहार पुलिस नीतीश कुमार के अंदर आती है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से गृह विभाग उन्हीं के पास है। गृह विभाग में सारे आईपीएस अधिकारी आते हैं, जितने भी पुलिस महकमे के अधिकारी हैं सारे गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। और पूर्णिया में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, अपराधी सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देते हैं, क्योंकि तनिष्क जहां पर लूटकांड हुआ था वहां से 500 मीटर के अंदर तीन तीन थाने हैं, तो पुलिस को सीधा सीधा चैलेंज किया गया। और सिर्फ ये पूर्णिया का ही हाल नहीं है, राजधानी पटना की का भी यही हाल है। पटना में भी ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हत्या की खबर ना आती है, जहां लूट की खबर ना आती हो। अभी कुछ ही दिन पहले पीएनबी को लूट लिया गया था सुबह सुबह, और अपराधी बेखौफ होकर घुसे पीएनबी में, लूटपाट की उन्होंने और हथियार लहराते हुए आराम से बाहर निकले। किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है, जो बेखौफ अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, और कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है जरूर दिखाने के लिए, लेकिन जो असल अपराधी हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो खुलेआम बिहार में घूम रहे हैं या बिहार से बाहर मौज कर रहे हैं, पता नहीं। अब ये नीतीश की पुलिस जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि राहुल यादव जिन पर आरोप लग रहा है, जिन पर आरोप लगा रही हैं उनकी पत्नी अवधेश यादव की, उनकी साठगांठ है अच्छी ऊपर लेवल तक। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अभी कुछ ही दिन पहले मोतिहारी से एक खबर आई थी जहां एक ही मामले पर दो दो FIR कर दिया था थाना अध्यक्ष ने, और जिसने FIR कराई थी वो एक सरगना था, लुटेरों का सरगना था। तो उसकी साठगांठ पुलिस से इतनी अच्छी थी, थानेदार साहब से इतनी अच्छी पैठ थी उनकी, कि एक ही मामले पर दो महीने के अंदर एक के बाद एक FIR, दो FIR हो जाती है, और उसमें तैनाती भी हो जाती है पुलिसकर्मी की। तो स्थिति ये है बिहार की, बिहार पुलिस की स्थिति हाँफ रही है बिहार पुलिस। और रोज, मतलब अभी बीते दिन काम्या मिश्रा जो कि तेज तर्रार IPS अधिकारी हैं, उड़ीसा से आती हैं वो, लेकिन बिहार में खूब काम किया उन्होंने, अब 2019 बैच की हैं, यानी 5 साल ही हुआ उनको, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजविंदर सिंह भट्टी जो कि RS भट्टी DGP हैं बिहार के, वो भी बिहार में नहीं रहना चाहते। उन्होंने जो कहा जा रहा है मीडिया में कि एक आवेदन दे दिया है, अर्जी डाल दी है उन्होंने, उन्हें बिहार में नहीं रहना, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो क्या ऐसी क्या बात हो गई जिस नीतीश कुमार ने सुशासन के दम पर बिहार में 17 सालों तक राज किया, और जो उनका पहला टर्म था उसमें उन्होंने कई अपराधियों को ठिकाने लगा दिए, वही नीतीश कुमार आज भी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि अपराधी अब बेखौफ हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में हमने कई बाहुबलियों को देखा, लोग ये भी कह रहे हैं जो एनालिस्ट हैं, क्राइम की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से राजनीति में बाहुबल का दखल हुआ है, बाहुबली कितने सारे लड़े थे लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर मैं पार्टी नहीं बोलूँगा, हर पार्टी से लड़े थे, चाहे वो RJD हो, चाहे JDU हो, आनंद मोहन जो कि बाहुबली हैं, सहरसा से आते हैं, और शिवहर में उनकी पत्नी लड़ रही थी, तो आनंद मोहन को आनंद फानन में जेल से बाहर निकाला गया, उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जेल मैनुअल में नीतीश कुमार ने बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाला और उनकी पत्नी लड़ी। मुंगेर चले आइए तो अशोक महतो, हिस्ट्री सीटर अशोक महतो, जो 17 सालों तक भागलपुर के जेल में रहे, उनको चुनाव लड़ाया गया, वो खुद चाहते थे, लेकिन लालू ने कहा कि तुम तो लड़ नहीं सकते क्योंकि दागी हो, तो शादी कर लो, और उसने शादी भी कर ली। शादी के बाद उनकी पत्नी अनिता देवी मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लड़ी, हार मिली अलग बात है, लेकिन बाहुबल का दखल हुआ। मुन्ना शुक्ला लड़े हाजीपुर से। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से जब राजनीति में बाहुबल का दखल होता है तो फिर अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। तो क्या वही कारण है अपराधियों का बेखौफ होने का? क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, वोटिंग काउंटिंग आ गई, नतीजे आ गए, और उसके बाद से ही लगातार बिहार में अपराध बढ़ने लगे, तो बड़ी ही मुश्किल स्थिति है और सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक के बाद एक अधिकारी त्यागपत्र दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर वो जा रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर, उन्हें नहीं रहना बिहार में। तो ये सब सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बदल गए, नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पूर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट थी, तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।